वेलकम टू मोमेंट ऑफ स्टडी। आपका स्वागत है आज के हमारे 8 जून के डेली करंट अफेयर में, जहां पे आज हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं न्यूज की ओर। आज न्यूज में है इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि उन्होंने हाल ही में कंट्री की पहली ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट एक्शन प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, यानी कि 100% सेफ डिस्पोजिबल एंड इंडस्ट्रियल टॉक्सिक। यानी कोई औद्योगिक जहां पे इंडस्ट्री है, वहां से वो उन्होंने 100% वेस्ट मैनेजमेंट किया है। ये न्यूज साइंस एंड टेक में आप कंसीडर कर सकते हो। ओके, इससे भी पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट न्यूज में थी, उन्होंने एक रीस्टार्ट योजना स्टार्ट की थी। रीस्टार्ट किसके लिए की थी? तो जो एमएसएमई मार्केट है उसके उत्थान के लिए उन्होंने की थी। तो ये जो ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें उन्होंने 6 आर को इंपोर्टेंट दिया है। कौन से है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफर्बिश, रीडिजाइन एंड रीमैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो याद रखिएगा, देश का पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। आगे न्यूज में है वुमेन सुपर लीग चैंपियंस। हाल ही में ऑस्टन विलास वुमन आर अनाउंस्ड, यानी कि उनको चैंपियन घोषित किया गया है वुमेन्स चैंपियनशिप का, जो यहाँ पे वुमेन सुपर लीग चैंपियनशिप है उसका। ये न्यूज स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, और खास ध्यान रखना कि हाल ही में कोई स्पोर्ट्स के ज्यादा इतने न्यूज नहीं है, तो किसी भी एग्जाम जो 2-3 महीने में कोई भी एग्जाम अगर आ रही है तो वो एग्जाम में ये पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो सेस वुमेन एफसीआर नेम्ड वुमेन सुपर लीग। ओके, तो हाल ही में ऑस्टन विला वुमेन्स को चैंपियन घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है गुडविल एम्बेसेडर फॉर पुअर। ओके, गुडविल एम्बेसेडर फॉर पुअर, ये यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, उन्होंने ये घोषित किया है कि गुडविल एम्बेसेडर फॉर पुअर कौन होगा। तो हाल ही मदुराई की एक गर्ल है जिसका नाम है एम नेत्रा, जो 13 साल की है। UNADAP ने हाल ही में नेत्रा को गुडविल एम्बेसेडर ऑफ पुअर घोषित किया है। ये गर्ल ने, यानी कि एम नेत्रा ने, अपने खुद के स्टडी के 5 लाख रुपए गरीबों के लिए यूज कर दिए थे, इसीलिए हाल ही में ये न्यूज में। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 अनाउंस हुआ है। क्या है ये देख लेते हैं। GMR कंपनी, GMR एक केमिकल बेस्ड कंपनी है, जो हाल ही में न्यूज थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उन्हें बैन कर दिया है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान कर रहे थे इसकी वजह से। वही कंपनी ने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव किया है। ओके, उन्होंने हाईएस्ट प्लेटिनम रिकॉग्निशन लिया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI, यानी कि एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020। तो क्वेश्चन क्या है, देश का कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे एशिया पैसिफिक ग्रीन रिकॉग्निशन मिला है। ओके, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा हैदराबाद को दिया गया है। ओके, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 15 से 35 मिलियन पैसेंजर पर एनम। ओके, और उन्होंने अच्छा वाटर मैनेजमेंट किया है, इसलिए उनको ये अवार्ड मिला है। इसका एक कारण ये भी है कि अगर ये अवार्ड से इंस्पायर होकर वो एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करेंगे, जो एयरपोर्ट पे रहता है वो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेगा। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में जियो न्यूज में है, जियो कंपनी ने आबू धाबी की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उन्होंने हाल ही में जियो में
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में अपने 5683 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, उससे पहले फेसबुक, केकेआर और 6 और कंपनी है जिन्होंने जियो में इन्वेस्टमेंट किया था, और एक आज एक नई कंपनी है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जिन्होंने फिर से 5683 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। ओके, कुल मिला के 7 वीक में, यानी पिछले 7 वीक में, हफ्ते में रिलायंस ने ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से 97,885 करोड़ रुपीस इकट्ठे किए। ओके, ऐसे ही अपना डिस इन्वेस्टमेंट करके, यानी अपना पोर्शन कम करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन न्यूज में क्यों है वो इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज में कंसीडर करना। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, लॉकडाउन के कारण कोई फिजिकल डिलीवरी अभी ज्यादा नहीं हो रही है। ओके, तो फ्यूचर में वही डिलीवरी ड्रोन के थ्रू करने के लिए हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक जोमाटो परमिशन दी है। जोमाटो, स्विगी एंड डूंजो तीनों फूड रिलेटेड कंपनी है। जो कंपनी बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट BVLOS वो ड्रोन से डिलीवरी कर सकते हैं, तो हाल ही में इसीलिए न्यूज में है। और ऐसा भी माना जाता है कि 13 कंपनी ऐसी है जो ये लिस्ट में अभी है, यानी कि रिलायंस भी है, स्पाइस जेट भी है, वो भी ड्रोन से डिलीवरी के लिए कुछ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, और उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के साथ परमिशन मांगी है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में माइकल जॉर्डन न्यूज में है, जो NBA के बास्केटबॉल प्लेयर है। वर्ल्ड रिलेटेड न्यूज है। NBA सुपरस्टार माइकल जॉर्डन ने हाल ही में नाइक शूज कंपनी के साथ मिलकर अगले 10 साल के लिए $100 मिलियन का डोनेशन करने का सोचा है। ये डोनेशन वो इक्वालिटी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए एंड इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन के लिए डोनेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में राज कौशल पोर्टल न्यूज में। तो राज कौशल पोर्टल क्या है, तो उसको योजना या स्कीम में गिन सकते हैं। ओके, हाल ही में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने एक योजना लॉन्च की है, या तो एक पोर्टल लॉन्च किया है, राज कौशल पोर्टल। ओके, ये राज कौशल पोर्टल ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दोनों काम करेगा। राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि एक राज्य में से दूसरे राज्य में अगर मजदूर को जाना है, काम लेना है, तो ये पोर्टल पे जाके वो अपना रजिस्टर करवा सकता है। और अशोक गहलोत जी ने ऑनलाइन इसका इनोग्रेशन किया है। ओके, तो खास ध्यान रखना, कोरोना वायरस की वजह से हाल ही में माइग्रेंट वर्कर एक जगह से दूसरी जगह, यानी अपने स्टेट में जा रहे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। आयुष्मान भारत फिर से न्यूज में है, क्यों है देख लेते हैं। आयुष्मान भारत इंडिया की एक हेल्थ स्कीम है जो 2018 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस की थी। ओके, इसका ये क्राइटेरिया था कि 10 करोड़ परिवार को, यानी कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का मेडिकल बीमा देंगे, जो प्राइवेट एंड सरकारी हॉस्पिटल में दोनों में काम आ सके। ओके, तो हेतु ये था कि गरीब लोगों को सस्ती सुविधा, मेडिकल सुविधा मिली रहे, फ्री में सुविधा मिली रहे, इसलिए ये योजना अनाउंस की थी। हाल में WHO के चीफ ने ये अनाउंस किया है कि ये योजना भारत में
अभी COVID-19 के ड्यूरेशन में अपॉर्चुनिटी है, COVID-19 अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू स्पीड अप आयुष्मान भारत। यानी कि COVID-19 जब भारत में अभी चल रहा है तो उसमें यह आयुष्मान भारत योजना एक अपॉर्चुनिटी है भारत की। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज है। क्यों है? तो पहले तो ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड क्या है, तो कोई बिजनेसमैन है जिसने 200 करोड़ की लोन ली है, ओके, अगर वो लोन कोविड-19 की वजह से भर नहीं पाता है या तो उसको डिपॉजिट नहीं कर पाता है, तो बैंक उस पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड डाल देती थी। यानी एक लीगल प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देती थी। तो उसकी जगह पे अभी वही ऑर्डिनेंस को स्टॉप कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। हाल ही में किसी का बिजनेस चल नहीं रहा है, ओके, तो इनकम आ नहीं रही है, जिसकी वजह से कोई लोन भरपाई जल्दी नहीं कर पाएगा ऐसा मानना है। इसकी वजह से ये ऑर्डिनेंस को अभी थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दिया गया है। एक्चुअली ये ऑर्डिनेंस बना था 2015 में, इम्प्लीमेंट हुआ 2016 में, ओके। तो बैंकरप्सी एक इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है, तो खास ध्यान में रखना कोविड-19 की वजह से अभी ये ऑर्डिनेंस को स्टॉप कर दिया है। हाल ही में सेबी फिर से न्यूज में, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है, म्यूचुअल फंड स्कीम में अभी फिजिकल अगर गुड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, वो है गोल्ड, ऐसा सेबी का कहना है। आज से आप किसी भी और फिजिकल गुड्स में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फिजिकल गुड्स के रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते गोल्ड के अलावा। यानी गोल्ड ही एक ऐसा फॉर्म है, एक मटेरियल है जिसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते, ओके। तो ये अनाउंसमेंट किया है एक्सचेंज ट्रेड कॉमोडिटी के अंडर में। तो एक्सचेंज ट्रेड कॉमोडिटी क्या है? वन टाइप ऑफ शेयर है, ओके, जो इक्विटी और सबके रिलेटेड है। तो सेबी ने अनाउंसमेंट किया है कि गोल्ड के अलावा किसी भी फिजिकल गुड्स में आप म्यूचुअल फंड के तौर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हाल ही में एक न्यूज में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बैंक ने हाल ही में डेटा अनाउंस किया है कि कोविड-19 के ड्यूरेशन के बाद अभी जो लॉकडाउन ओपन हुआ है, तो लास्ट वीक ऑफ मई में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ है, वो है 493 बिलियन यूएस डॉलर, यानी 493 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ है भारत में। ये अनाउंसमेंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में न्यूज में है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। क्यों न्यूज में है देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज है। वेस्टर्न कोलफील्ड एक गवर्नमेंट सब्सिडरी है, ओके, कोल इंडिया लिमिटेड की, वो महाराष्ट्र में है अभी। तो ये कोलफील्ड कंपनी ने हाल ही में 3 जगह पे कोल माइनिंग की परमिशन ली है। तो वो है, एक जगह है महाराष्ट्र की अडासा, दूसरी है शारदा जो मध्य प्रदेश में है, तीसरी है धनकासा। धनकासा एंड शारदा दोनों मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में अडाजा, वहां पे वो कोल माइनिंग की परमिशन ले लिए। और खास ध्यान रखना ये कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है। आगे न्यूज में है एएम नाइक, जो एलएनटी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, ओके, तो उनका कार्यकाल अभी खत्म हो रहा था अक्टूबर में, तो 1 नवंबर से उनका कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ाया गया है। तो आप ये न्यूज को ले सकते हैं इकोनॉमी में। तो हाल ही में एएम नायक जो एलएनटी लार्सन एंड टुब्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, उनका कार्यकाल 3 साल के लिए 3 साल के लिए बढ़ाया गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में न्यूज में है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी,
क्यों है देख लेते हैं। ये न्यूज को आप एनवायरमेंट के रिलेटेड ले सकते हैं। हाल ही में एक ऑफिशियल डेटा अनाउंस हुआ है आरटीआई के थ्रू, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, जिसमें बताया गया है कि 2012 से लेकर 2019 यानी कि 8 साल में 750 से भी ज्यादा यानी 750 से भी ज्यादा टाइगर्स मर गए हैं। किसकी वजह से? शिकार की वजह से एंड अदर रीजन। ओके, पिछले 8 साल में 750 से ज्यादा बाघों की मौत हुई है। ओके, शिकार की वजह से और दूसरी वजह बताई जाती है, और ये डेटा अनाउंस किया है नेशनल टाइग्रेट कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ माइक्रो मार्केट, ये इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया है देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई ने। ओके, एसबीआई ने अभी एमएसएमई एंड एग्रीकल्चर सेक्टर का उत्थान करने के लिए, यानी कि उनका जो बेस है ऑप लाने के लिए कोविड-19 की वजह से अभी दोनों सेक्टर में मंदी टाइप चल रहा है, यानी कि एक उनकी इनकम ज्यादा नहीं हो रही है। ओके, तो उनका इंप्रूवमेंट करने के लिए हाल ही में एसबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन माइक्रो मार्केट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें वो एग्रीकल्चर सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर को लोन देगी। और दूसरा, इसके डायरेक्टर रहेंगे डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव नौतियाल रहेंगे। ओके, तो ये न्यूज याद रखना, इकोनॉमिक्स रिलेटेड है और कोविड 19 की वजह से एसबीआई एग्रीकल्चर सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर में हेल्प करने वाली है। आगे न्यूज में है आईआईएफएल। हाल ही में रोहित शर्मा, जो हमारे क्रिकेटर है और इंडियन टीम के वाइस कैप्टन है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईआईएफएल, और ये अनाउंसमेंट किया है आर वेंकट रामन, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आईआईएफएल को। तो याद रखना कि आर वेंकट रामन आईआईएफएल के एमडी है, जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि रोहित शर्मा आईआईएफएल फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। हाल ही में स्पंदन इनिशिएटिव न्यूज में है, स्टेट के रिलेटेड न्यूज है। छत्तीसगढ़ पुलिस, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में हाल ही में पुलिस के लिए, वहां के पुलिस कर्मचारी के लिए स्पंदन योजना स्टार्ट की है। ये योजना 50 से भी ज्यादा पुलिस कर्मी की आत्महत्या होने के बाद ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्योंकि हाल ही में स्ट्रेस की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से और डिप्रेशन की वजह से ज्यादा पुलिस कर्मी आत्महत्या कर रहे थे, तो उनके लिए ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाल ही में स्पंदन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें वो म्यूजिक, योगा एंड काउंसलिंग सेशन की उनको ट्रेनिंग देगी। ओके, इसीलिए हाल में ये स्पंदन, ये कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है भारतीय गवर्नमेंट की, तो याद रख। हाल ही में राजीव टोपनो न्यूज में है। राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे अभी उनको स्थान मिला है। वर्ल्ड बैंक है वॉशिंगटन डीसी में। तो टोपनो क्यों न्यूज में, वो गुजरात के 1996 बैच के आईएएस हैं, ओके, और मोदी के पीएमओ में भी काम कर चुके हैं। तो राजीव टोपनो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, ओके, जो गुजरात बैच के आईएएस ऑफिसर थे, और ये न्यूज आपको वर्ल्ड रिलेटेड काम में आई। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। मेरा वेतन यानी मेरी सैलरी, ओके, एक स्कीम स्टार्ट की है, स्टेट रिलेटेड न्यूज है। तो मेरा वेतन एक ऐप है, जहां पे एम्प्लॉयर खुद की सैलरी ट्रैक कर सकते हैं, यानी कर्मचारी खुद की सैलरी ट्रैक कर सकते हैं, और ये ऐप अनाउंस की है जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हाल ही में वहां के लेजिस्लेटिव गवर्नर है, उन्होंने लॉन्च किया है मेरा वेतन लैब, जहां से एम्प्लॉय खुद की सैलरी ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये इंडियन गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर स्टेट का है। ओके,
आज के शॉर्ट एंड स्वीट न्यूज में आईपीएस ऑफिसर वेद मरवा दिल्ली के जो कमिश्नर थे और डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड थे वो हाल ही में उनकी मौत हुई है। हमजा कोया जो केरला के फुटबॉल प्लेयर थे वो भी हाल कोविड-19 की वजह से नहीं रहे। मिशन फतेह पंजाब स्टेट ने अनाउंस किया है और जॉबलेस पीपल को जॉब देने के लिए यानी कि जॉबलेस यूथ को जॉब देने के लिए अनाउंस किया है। ओके, आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2020 कहाँ पे आयोजित होगी? तो दिल्ली में। आज के न्यूज़ में इतना था। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन सारी जगह पे अपनी चैनल है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। कल मिलते हैं फिर नए न्यूज़ लेके, तब तक के लिए थैंक यू।